नमस्कार दोस्तों, यादव जी टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जो असूस का जेनफोन मैक्स प्रो लॉन्च हुआ है, जो फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव मॉडल है दोस्तों, उसका आज मैं कंपैरिजन बताऊंगा रेडमी नोट 5 प्रो के साथ में। तो मैं आप सभी को बताऊंगा दोस्तों, दोनों के अंदर क्या क्या खास चीज़ें और दोनों के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज आपको मिलती है। अगर जो रेडमी नोट 5 प्रो है दोस्तों, वो फ्लैश सेल में ही बिक रहा है, और जो असूस का जेनफोन मैक्स प्रो है दोस्तों, वो ओपन सेल में बिकेगा, ऐसा असूस के मैनेजमेंट टीम ने डिसाइड किया है। दोस्तों, आप सभी को देखना होगा कि दोनों में से क्या क्या खास चीज़ें हैं। आज मैं मेरा ओपिनियन शेयर करूंगा आप सभी से कि आपको अगर रेडमी नोट 5 प्रो नहीं मिल रहा है फ्लैश सेल में, तो आपको असूस जेनफोन मैक्स प्रो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा कि दोनों में क्या क्या खास चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें सिमिलरिटीज है और क्या क्या अंदर दोनों के अंदर प्रोज है और दोनों में क्या क्या कॉन्स है। दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपना YouTube ऐप में जाकर यादव जी टेक्निकल को सर्च कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहता हूँ Redmi Note 5 Pro की। दोस्तों Redmi Note 5 Pro की बात करूँ दोस्तों, तो लगभग मैं 4-5 महीने पहले Xiaomi ने लॉन्च किया था। जैसे मैं Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro की बात करूँ दोस्तों, अगर आपके पास Redmi Note 4 है तो आपको Redmi Note 5 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर दोस्तों अगर आपको Redmi Note 4 है और आपको अपग्रेड करना है, अगर आप MI के फैंस हो तो दोस्तों आपको Redmi Note 5 Pro लेना चाहिए। सबसे पहली मेन चीज़ है दोस्तों, उसके अंदर आपको हार्डवेयर सबसे लेटेस्ट मिलता है। जैसे कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 636 का हार्डवेयर मिलता है, जो 1.8 GHz पे क्लॉक है दोस्तों, और इसके अंदर आपको 4GB और 6GB रैम वाला वेरिएंट मिलता है। जैसे 4GB और 64GB रैम वाले वेरिएंट की बात करूँ दोस्तों, लगभग में आपको 13,999 में मिल जाएगा, और जबकि 6GB और 64GB वेरिएंट वाले की बात करूँ दोस्तों, 16,999 में आपको मिल जाएगा। पर एट द टाइम इसकी ब्लैक मार्केटिंग बहुत चल रही है, लोग इसमें फ़ायदा उठा रहे हैं, फ्लैश सेल में खरीद कर ब्लैक मार्केटिंग में OLX पे या किसी भी साइट से बेच देते हैं दोस्तों इस फ़ोन को डबल भाव में। जैसे कि आप 14,000 के फ़ोन के लिए लगभग 15,500 या 16,000 रुपये देते हो, और जो 17,000 का 6GB वाला वेरिएंट है दोस्तों, उसके लिए आप 18,000 या 19,000 भी OLX पे ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू दे देते हो दोस्तों अब आपको वरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MI.com साइट पे आपको लगभग में प्री ऑर्डर के थ्रू आपको वो आपको मिल जाता है, तो आपको ब्लैक मार्केटिंग में खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दोस्तों Redmi Note 5 Pro खरीदना नहीं है और उसके कंपेटिटिव में आपको दोस्तों एक अच्छा फ़ोन आया है, जिसे Asus जेनफोन मैक्स प्रो M1 की बात करो दोस्तों इसके अंदर आपको सेम हार्डवेयर मिलता है जो आपको Redmi Note 5 Pro में हार्डवेयर मिलता है। जैसे Qualcomm Snapdragon 636 की बात करो दोस्तों, वैसे ही आपको Redmi Note मीन्स के Asus के जेनफोन मैक्स प्रो में आपको Qualcomm Snapdragon 636 का हार्डवेयर मिल जाता है। अब दोस्तों इसके कोई स्पेसिफिकेशन की बात करूँ Asus जेनफोन मैक्स प्रो के दोस्तों, इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 636 का ऑक्टा और CPU मिलता है। वैसे ही Redmi Note 4 में भी, Redmi Note 5 Pro में भी आपको Qualcomm Snapdragon 636 का ऑक्टा और CPU मिलता है दोस्तों। इसके अंदर आपको 3GB, 4GB और 6GB वाले वेरियंट मिलते हैं, जबकि आपको Redmi Note 5 Pro में आपको 4GB और 6GB वाला वेरियंट मिलता है। और दोस्तों जो Asus जेनफोन मैक्स प्रो है दोस्तों, उसके जो 6GB रैम वाला वेरिएंट है दोस्तों, उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसका जो सेंसर होगा दोस्तों, जो रियर कैमरा होगा दोस्तों, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। जो Redmi Note 5 Pro का फ्रंट कैमरा है दोस्तों, वो 20 MP का है, जबकि इसका जो Asus जेनफोन मैक्स प्रो का 3GB वाला वेरियंट का फ्रंट कैमरा है दोस्तों, वो 5 MP का है, जबकि जो Redmi Note 5 Pro उसका फ्रंट मेगापिक्सल का कैमरा है दोस्तों, वो सिर्फ 20 MP का है। पर जो 6GB वाला वेरियंट होगा दोस्तों, उसके अंदर Asus की मैनेजमेंट टीम ने डिसाइड किया है कि उसके अंदर और कैमरा में इंप्रूवमेंट करेंगे और एक अच्छा बुके इफेक्ट और पोर्ट्रेट इफेक्ट आपको मिलेगा। इसमें 3GB और 4GB वेरियंट मिलता है, जबकि Redmi Note 5 Pro में आपको 4GB और 6GB वेरियंट मिलता है दोस्तों। इसके अंदर आपको 5.9 की IPS LCD फुल HD 18 एस्पेक्ट रेशियो 9 के साथ में मिलती है। इसी तरह आपको Redmi Note 5 Pro में भी आपको 5.9 इंच की IPS LCD फुल HD डिस्प्ले 18 एस्पेक्ट रेशियो 9 में मिल जाती है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको 32GB और 64GB इंटरनल स्टोरेज भी मिलती है। जैसे आप 3GB वाला वेरिएंट लोगे दोस्तों, उसको 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, और 4GB वाला वेरिएंट लोगे तो आपको 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। और दोस्तों अब दूसरी बात करूँ, इसमें ड्यूल सिम नैनो डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है, जबकि आपको Redmi Note 5 Pro में दोस्तों माइक्रो हाइब्रिड सिम का स्लॉट दिया, मतलब कि आप दो सिम एक साथ डाल सकते हो या एक मेमोरी कार्ड या एक सिम कार्ड डाल सकते हो। इसमें मेन चीज़ यही है दोस्तों कि आप इसमें डेडिकेटेड माइक्रो SD का स्लॉट दिया हुआ है, इसके अंदर आप अलग से अपना मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। तो सबसे बड़ा इसका एक प्रोस है दोस्तों कि आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट दिया गया है।
अब दोस्तों डिस्प्ले के रियर कैमरे की बात करो दोस्तों, रियर कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का दिया हुआ है और फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का दिया हुआ है, जबकि Redmi Note 5 Pro में आपको जो रियर कैमरा है दोस्तों वो आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का दिया हुआ है, जबकि इसमें 3GB वाले वेरियंट में 3GB वाले वेरियंट में आपको सिंगल कैमरा मतलब डबल कैमरा दिया गया है 13 मेगापिक्सल के, डुअल कैमरा दिया हुआ है, जबकि Redmi Note 5 Pro में आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है। दोस्तों सबसे बड़ा कॉन्स Asus ZenFone Max Pro में यही है कि 13 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा दिया हुआ है, जबकि अपर्चर वैल्यू की बात करूँ तो f2.2 का जो 12 मेगापिक्सल का रियल लेंस सेंसर है दोस्तों, उसमें Redmi Note 5 में आपको 2.2 अपर्चर मिलता है, जबकि जो सेकेंडरी कैमरा है डुअल कैमरा का वो दोस्तों 5 मेगापिक्सल है, इसमें आपको 2.1 का अपर्चर मिल जाता है। जो फ्रंट कैमरे की बात करूँ Redmi Note 5 Pro की तो दोस्तों उसमें 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है, जबकि Asus ZenFone Max Pro में आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, जिसके कारण आपको जो फ्रंट कैमरे की पिक्चर क्वालिटी है दोस्तों वो Redmi Note 5 Pro में Asus ZenFone Max Pro के मुकाबले बहुत ही अच्छी मिलती है, तो आपको उस फोन को लेना चाहिए। और दोस्तों मैं फ्रंट कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का मिला, सॉरी दोस्तों गलती हो गई मुझसे, जो Asus ZenFone Max Pro का है वो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, दूसरा जो कैमरा है दोस्तों रियर कैमरा वो 5 मेगापिक्सल का है, जबकि आपको Redmi Note 5 Pro में 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, प्लस दो जो दूसरा कैमरा है डुअल कैमरा में वो आपको 5 मेगापिक्सल मिलता है, जबकि इसमें 13 मेगापिक्सल का मिलता है। जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है Asus ZenFone Max Pro में दोस्तों वो आपको 8 मेगापिक्सल का मिलेगा, जबकि जो Redmi Note 5 Pro में है दोस्तों आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी प्रोसेस है दोस्तों इसका 5000mAh का बैटरी है, जबकि आपको Redmi Note 5 Pro में आपको 4000mAh का बैटरी मिलता है। अब दोस्तों इसमें ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है, इसी तरह आपको Redmi Note 5 Pro में भी ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है। दोस्तों इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया, एंड्रॉइड 8.1 का अपडेट दिया गया है, जबकि जो Redmi Note 5 Pro है दोस्तों उसके अंदर आपको लगभग में फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है। जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों इसमें 8.1 दिया गया है, जबकि आपको Redmi Note 5 Pro में 7.1 नोकट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है, जबकि Redmi Note 5 Pro में आपको 4000mAh की बैटरी मिल जाता है। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है और Redmi Note 5 Pro में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर एज वेल एज आपको फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि Asus का ZenFone Max Pro की प्राइस की, तो ये आपको लगभग में 3GB और 32GB वाला वेरियंट लगभग में आपको 11000 के प्राइस में मिल जाएगा, और 4GB और 64GB वाला वेरियंट आपको लगभग में 13000 के प्राइस में मिल जाएगा, जबकि जो Redmi Note 5 Pro है दोस्तों आपको लगभग में 4GB और 64GB वाला वेरियंट आपको लगभग में 14000 के प्राइस में मिलेगा, और 6GB और 64GB वाला वेरियंट आपको लगभग में 17000 की प्राइस में मिल जाएगा। अब दोनों की हार्डवेयर की बात करता हूं तो दोस्तों दोनों के अंदर आपको Qualcomm का Snapdragon लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 630 का प्रोसेसर मिलता है, पर दोस्तों जो Asus ZenFone Max Pro का फिंगरप्रिंट स्कैनर है दोस्तों बहुत ही खास नहीं है, बहुत ही लो है दोस्तों, उसका जो एक्यूरेटी है फिंगरप्रिंट स्कैनर का उतना खास नहीं है, बहुत ही लगभग में हाफ एन सेकेंड लेता है अनलॉक करने में, जबकि जो Redmi Note 5 Pro का है दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर वो इमिडिएटली लॉक हो जाता है। तो Asus ZenFone Max की मैनेजमेंट टीम ने से बात हुई है मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा है कि जो इनका फिंगरप्रिंट स्कैनर है दोस्तों उसके लिए कुछ OTA अपडेट आपको भेजेंगे, जब तक OTA अपडेट आता है दोस्तों मैं उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा फास्ट हो जाएगा उन्होंने ऐसा कहा है। तो दोस्तों देखना होगा कि जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो Asus ZenFone Max Pro का दोस्तों वो कितना एक्यूरेट हो जाता है, क्योंकि अभी एट दैट टाइम में जो Asus ZenFone Max Pro का फिंगरप्रिंट स्कैनर दोस्तों उतना एक्यूरेट नहीं है, उतना फास्ट नहीं है एज कम्पेयर टू Redmi Note 5 Pro के। जो Redmi Note 5 Pro का फिंगरप्रिंट स्कैनर दोस्तों वो फास्ट है एज कम्पेयर टू Asus ZenFone Max Pro के। पर दोस्तों अब जब लास्ट बट नॉट द लिस्ट सबसे मेन चीज होती है आफ्टर सेल सर्विस की, जो Asus का आफ्टर सेल सर्विस है दोस्तों एज कम्पेयर टू Redmi के थोड़ा कम है, मतलब कि जो Redmi के फोन से दोस्तों उसका आफ्टर सेल सर्विस की बात करूँ या सर्विस सेंटर की बात करूँ तो थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं Asus के कंपेयर में। Asus थोड़ी कंपनी Amazon के साथ में एक्सक्लूसिव Amazon के साथ पार्टनरशिप करके एक्सक्लूसिवली आपको Asus ZenFone Max Pro का लॉन्च किया है। तो दोस्तों अगर आपको 3GB या 32GB वाला वेरियंट लेना है दोस्तों तो वैल्यू फॉर मनी बजट रहेगा आपको 11000 के प्राइस रेंज में, और जो 4GB 64GB वाला वेरियंट है दोस्तों वो भी वैल्यू फॉर मनी रहेगा। जो Redmi Note 5 Pro है दोस्तों वो MIUI 9 के साथ में आता है, जबकि जो Asus का ZenFone Max Pro है दोस्तों वो आपको लगभग में स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में आता है, और गूगल की तरफ से इसमें एक वेरिफिकेशन मतलब के हमको एक अपडेट मिला है कि इसमें आपको लगभग में 2 साल तक के लिए गूगल के पूरे अपडेट Asus ZenFone Max Pro में आपको मिलते रहेंगे।
तो आपको गूगल की तरफ से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके स्टॉक एंड्रॉइड दिया हुआ है। इसके कारण आपको इसके अंदर जो भी अपडेट्स आएंगे नए, आपको Asus ZenFone Max Pro में मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मेरा ओपिनियन यही रहेगा, अगर आपको कम प्राइस में 636 का हार्डवेयर वाला एक फोन चाहिए तो दोस्तों Asus ZenFone Max Pro आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ तो दोस्तों जो रियर कैमरा है Asus ZenFone Max Pro का, वो Redmi Note 5 Pro के कैमरे से कहीं ज़्यादा बेहतर है। जो तो फ्रंट कैमरा है दोस्तों, वो Redmi Note 5 Pro का बहुत ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है, इसमें आप पोर्ट्रेट मोड या बुके इफेक्ट्स भी ले सकते हो। जबकि आपको Asus ZenFone Pro Max Pro में आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा में आपको बुके इफेक्ट्स इतना अच्छा नहीं मिलेगा। आर्टिफिशियल लो लाइटिंग में अगर आप Asus ZenFone Max Pro से फोटोग्राफी लेते हो दोस्तों तो उतनी खास नहीं आएगी। जबकि Redmi Note 5 Pro में आर्टिफिशियल लो लाइटिंग में भी आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। अब दोस्तों दोनों के अंदर आपको तो दोस्तों आप सभी को डिसाइड करना है आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। आप Redmi Note 5 Pro लेना चाहते हो या Asus ZenFone Max Pro M1 लेना चाहते हो दोस्तों। पर दोस्तों Asus की मैनेजमेंट टीम ने बहुत एक अच्छी चीज़ की है कि इसको आपको ओपन सेल में Asus ZenFone Max Pro को बेचेंगे, जबकि Redmi Note 5 Pro दोस्तों आपको लगभग में फ्लैश सेल में बिका है। अब दोस्तों मैं आपको एक MI Home की एक तस्वीर दिखाता हूँ, जिसमें मैं आपको Redmi Note 5 Pro लेने गया था तो उसके अंदर क्या लिखा था। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने डिस्प्ले के अपने डिस्प्ले में देख ही सकते होगे कि जो मैं Redmi Note 5 Pro लेने गया था दोस्तों, तो MI Home के अंदर इसमें क्या लिखा है दोस्तों, आप सब देख सकते हो कि Redmi Note 5 Pro इज नॉट अवेलेबल। तो दोस्तों ये सब चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हो MI Home भी Redmi ने MI ने खोल दिया है, तभी भी उसके अंदर आपको Redmi Note 5 Pro नहीं मिलता है। तो दोस्तों आप सभी को डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कैमरा लेना है, कौन सा मोबाइल लेना है दोस्तों। दोस्तों मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपको एक नॉर्मल यूजर से अगर आपको हार्डवेयर के लिए एक फ़ोन चाहिए, अगर आप लेटेस्ट हार्डवेयर के साथ में एक फ़ोन चाहते हो तो Asus ZenFone Max Pro आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप कैमरा के लिए फ़ोन लेना चाहते हो या आपको MI के फैंस हो दोस्तों, अगर आपको एक स्टडी मटेरियल वाला फ़ोन चाहिए जो हैंड दिखने में एक प्रीमियम लगे दोस्तों, तो Redmi Note 5 Pro आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। दोनों की बिल्ड क्वालिटी की बात करो दोस्तों, जो Asus का ZenFone Max Pro है दोस्तों, वो एज कम्पेयर टू Redmi Note 5 Pro के थोड़ा प्रीमियम नहीं लगता है, जबकि जो Redmi Note 5 Pro है दोस्तों हाथ में पकड़ने में आपको एकदम प्रीमियम महसूस होगा। तो दोस्तों यही चीज़ सबसे खास चीज़ें हैं कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। आप सभी को डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है दोस्तों। मेरा ओपिनियन रहेगा लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपको 11,000 के प्राइस में एक लेटेस्ट हार्डवेयर वाला फ़ोन चाहिए 3GB और 32GB वेरिएंट के साथ में, तो आप Asus ZenFone Max Pro के साथ में जा सकते हो। अगर आपको 4GB 64GB वाला वेरिएंट चाहिए लगभग में 13,000 में, तो आप Asus ZenFone Max Pro के साथ में जाइए। Redmi Note 5 को दोस्तों प्रीफर मत कीजिएगा, क्योंकि इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है डे बाय डे आपको अगर आपको 4 महीने या 5 महीने हो जाएगा, तो उसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर Redmi Note 5 Pro का है दोस्तों, वो थोड़ा एक्यूरेट नहीं रहेगा, उतना लो हो जाएगा। जबकि आप फिंगरप्रिंट स्कैनर से अनलॉक करोगे दोस्तों तो उतना एक्यूरेट नहीं रहेगा। पर दोस्तों Asus ZenFone Max Pro में Asus की मैनेजमेंट टीम ने डिसाइड किया है कि आपको इसमें अंदर फेस अनलॉक का भी OTA अपडेट देंगे, तो आपको इसमें वरीड करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इसके अंदर फेस अनलॉक नहीं मिलेगा। जबकि अपडेट आता रहेगा दोस्तों इसके Asus ZenFone Max Pro में, आपको OTA अपडेट्स के थ्रू भी आपको फेस अनलॉक का फंक्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों सभी सिमिलरिटीज़ मैंने आपको बता दी है, कुछ मेरे से रह गया है सिमिलरिटीज़ बताना, कुछ प्रोस या कॉन्स बताना रह गया दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। अगर आपको एक फ़ोन लेना है लेटेस्ट हार्डवेयर के साथ में, तो आप Asus ZenFone Max Pro के 3GB और 32GB वाला वेरियंट के साथ में जा सकते हो। अगर दोस्तों आप MI के फैंस हो तो Redmi Note 5 Pro को भी आप ले सकते हो। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है दोस्तों। अगर मैं आपको मेरा ओपिनियन देता दोस्तों, तो Asus ZenFone Max Pro Redmi Note 5 Pro से कहीं ज़्यादा बेहतर है, तो आपको Asus ZenFone Max Pro के साथ में ही जाना चाहिए, क्योंकि इसका आपको 5000mAh का बैटरी मिलता है, आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड ओरियो का अपडेट मिलता है, जबकि Redmi Note 5 Pro में आपको लगभग में नोगोट का ही अपडेट मिलता है। और इसके साथ में स्टॉक एंड्रॉयड के साथ में ये Asus ZenFone Max Pro आता है दोस्तों, तो आपको स्टॉक एंड्रॉयड का एक अलग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जबकि जो Redmi Note Pro है दोस्तों MIUI 9 के साथ में आता है, तो इसमें भी आपको अच्छे अगर आपको यूजर इंटरफेस आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा यूजर इंटरफेस अच्छा लगता है। मेरे जरिए दोस्तों मैं MI का हार्ड कोर फ्रेंड्स हूँ, इसलिए मुझे MI का यूजर इंटरफेस अच्छा लगता है। अगर आपको स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है दोस्तों, तो आप स्टॉक एंड्रॉयड के लिए जा सकते हो। जो मेरा Moto G5 Plus है दोस्तों, इसके अंदर स्टॉक एंड्रॉयड दिया हुआ है, तो दोस्तों मुझे स्टॉक एंड्रॉयड उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ Moto G5 Plus को। पर जो मेरे YouTube पे वीडियो आते थे दोस्तों, गीकी रामू चैनल पे, वो जब Moto G5 Plus के साथ में ही आते थे, तो दोस्तों
मुझे जो Redmi Note 5 का यूजर इंटरफेस है दोस्तों एज कम्पेयर टू स्टॉक एंड्रॉइड का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको MI के फ़ोन प्रीफर करता हूँ। पर दोस्तों फ्रेंकली मैं बताता हूँ, अगर आपका बजट कम है 11,000 रुपये 32 GB या आपको 3 GB वाला वेरियंट लेना है दोस्तों, तो मैं आपको Asus ZenFone Max Pro M1 प्रीफर करता हूँ। दोस्तों एट लास्ट आपका डिसीजन, आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। अगर इससे भी आपको पता नहीं चला दोस्तों, मेरे वीडियो के थ्रू आपको प्रोज एंड कॉन्स के बता दिया मैंने दोस्तों, क्या क्या खास चीज़ें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी जो भी कन्फ्यूजन दोस्तों मैं पूरे दूर कर दूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे जरूर अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों